चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रतिशत का फार्मूला। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, प्रतिशत में फार्मूला। यदि ए बी से एक्स परसेंट अधिक है, जैसे ए बी से एक्स परसेंट अधिक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। तो क्या अगर ए बी से एक्स परसेंट अधिक है और बी ए से कितने परसेंट कम होगा, तो कितने परसेंट अधिक के लिए, जैसे कि हमारे पास 20% अधिक है ना, तो कितने परसेंट कम होगा। इसके लिए फार्मूला जाए एक्स वाई 100 + x × 100। जैसे कि हमारे पास 20% अधिक है, तो यहाँ लिखेंगे 20, 100 + 20 × 100%। तो अब हमारे पास हो गया 20/120 × 100। 20 × 5 = 20, 6 × 6 = 6, यहाँ से कट जाएगा, ये इतना हो जाएगा 16 सही, क्योंकि कमी होगा। एक वृद्धि के लिए देख लिए, अब कमी के लिए देख। नेक्स्ट टॉपिक, यदि ए बी से एक्स परसेंट कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तब इसका फार्मूला क्या होगा, ए बी से एक्स परसेंट कम है तो बी से कितना परसेंट अधिक होगा, यही पूछ रहे ना। तो फार्मूला हम बनाते हैं, एक्स परसेंट कम है तो 100 − x × 100%, ये हमारा फार्मूला हो गया। जैसे एग्जांपल बनाते हैं, एग्जांपल है, एग्जांपल देखते हैं ना, तब समझ में आएगा आप लोग को। जैसे कि ए बी से 25% कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ए बी से 25% कम है तो बी ए से कितना परसेंट अधिक होगा, ये फार्मूला हम रखते हैं ना, ये वाला। एक्स परसेंट कम है, यहाँ हो जाएगा 25/100 − 25 × 100। तो क्या आ जाएगा, 25 का 25, 100 में 25 घटाएंगे तो 75 × 100। 25 से कम 25 = 75, 3 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 33 सही 1/3, ये हमारा आंसर होगा। तो आया दोस्तों, परसेंट से समझ।